नमस्कार, मैं हूं प्रभा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदी लगाते हुए एक नया फरमान जारी किया है। उसने हाल ही में धार्मिक दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें देश के सभी टेलीविजन चैनलों से कहा गया कि वे उन सभी टीवी सीरियल्स को दिखाना बंद करें जिनमें महिला अभिनेत्री काम करती हैं। तालिबान के नैतिकता एवं दुराचार उन्मूलन मंत्रालय ने अफगान मीडिया के लिए ये पहला इस तरह का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही तालिबान ने टेलीविजन पर आने वाली महिला पत्रकारों के लिए कहा है कि उन्हें न्यूज रिपोर्ट पेश करते समय अनिवार्य रूप से हिजाब पहनना होगा। मंत्रालय ने चैनलों से उन फिल्मों या कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं करने के लिए कहा है जिनमें पैगंबर मोहम्मद और अन्य सम्मानित व्यक्तियों को लेकर कुछ भी दिखाया जाता है। उसने उन फिल्मों या कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया जो इस्लामी और अफगान मूल्यों के खिलाफ हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता हाकिफ मोहजीर ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि ये नियम नहीं बल्कि धार्मिक दिशा निर्देश हैं। तालिबान ने दोहा में हुए समझौते में वादा किया था कि वह पहले की तरह शासन नहीं करेगा और खुले विचार के साथ आया है, लेकिन फिर भी उसने नियम लागू कर बताना शुरू कर दिया है कि महिलाएं क्या पहन सकती हैं और क्या नहीं। इसके साथ ही तालिबान ने मीडिया की आज़ादी का वादा किया था, लेकिन अफगानिस्तान में कई पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही है और उन्हें यातनाएं भी दी जा रही हैं। देश पर 15 अगस्त को कब्जा करने वाली तालिबान 20 साल बाद सत्ता में वापस आया है। यहां दो दशक तक पश्चिम समर्थित सरकार का शासन रहा है जो तालिबान के कब्जे के बाद गिर गई थी। इसी सरकार के समय अफगान मीडिया ने काफी प्रगति की है। तालिबान के 2001 में सत्ता से बेदखल होने के बाद यहाँ निजी क्षेत्र में भारी निवेश हुआ है। दर्जनों टीवी और रेडियो चैनल शुरू किए गए हैं। उधर ह्यूमन राइट्स वॉच ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सख्त नए मीडिया दिशा निर्देश लागू करने के बारे में चिंता जताई है। HRW ने एक बयान में कहा कि तालिबान के खुफिया अधिकारियों ने उन पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी है जिन्होंने तालिबान अधिकारियों की आलोचना की है और पत्रकारों को प्रकाशन से पहले अनुमोदन के लिए सभी रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता है, ऐसा कहा उन्होंने।